हेलो। ओके, सो वी आर ऑन लेक्चर नंबर 5। चार लेक्चर हम लोग खत्म कर चुके हैं। ये लेक्चर्स में हम लोगों ने बैकग्राउंड ऑफ ऑडिट देखा, डेफिनेशन ऑफ ऑडिट देखा, फिर वहाँ से आगे बढ़े, कंपनी ऑडिट शुरू किया। कंपनी ऑडिट में हम लोगों ने किसको एप्लीकेबल ऑडिट वो देखा, एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑडिट। उसके बाद क्वालिफिकेशंस देखे सेक्शन 141 के, और फिर डिसक्वालिफिकेशंस, नौ डिसक्वालिफिकेशंस है उसको याद रखने का शॉर्टकट देखा, और एक एक करके हम लोग डिसक्वालिफिकेशंस देख रहे हैं। नौ में से हम लोग छह डिसक्वालिफिकेशंस खत्म कर चुके हैं। पैरेलल हम लोग स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की तैयारी कर रहे हैं। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की तैयारी में सबसे पहले हमारा कोर ऑडिट प्रोसेस आता है, तो जो कोर ऑडिट प्रोसेस है वो हम लोग साइड बाय साइड चला रहे हैं। वो प्रोसेस भी हमारा आधा हो चुका है। तो आज हमारे डिस्क्वालिफिकेशंस भी खत्म हो जाएंगे और आज हमारा वो प्रोसेस भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो क्लासेस आप मिस कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो आप आपका जो वीडियो बैकअप है उससे आप वो कवर कर लीजिए। ट्राई टू कवर इट ऑन द सेम डे, नहीं तो फिर वो वीडियोस पाइल अप हो जाएंगे। वीडियोस भी इतने सारे जमा हो जाएंगे कि वो देखने का आपके पास में समय नहीं होगा। और उसमें भी आप यू कैन यूज द स्पीड ऑप्शन। यूट्यूब में स्पीड चेंज होती है, करेक्ट? तो YouTube में स्पीड चेंज होती है, वो ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। जो इनक्रिप्टेड वीडियोस है उसमें भी ऑप्शन होता है 1.6 तक स्पीड बढ़ाने का। बट यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड अंडरस्टैंडिंग। स्पीड बढ़ाइए आप, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन अंडरस्टैंडिंग भाई समझ में आ रहा है ना, दैट शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपने दिमाग में रखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला डिस्क्वालिफिकेशन है। और एक चीज बीच में, हमने बिफोर वी गो हियर, ठीक है, बीच में दो स्लाइड छूट गई थी हमसे। प्रोहिबिटेड सर्विसेज में, प्रोहिबिटेड सर्विसेज में डायरेक्टली इनडायरेक्टली की दो स्लाइड्स हमारी छूट गई थी। तो जब भी आपको ऐसा लगे, नहीं लगा आपको कोई बात नहीं, बोले शायद सेल्फ स्टडी करना होगा ऐसा लगे, करेक्ट? लेकिन मुझे याद आ गया अचानक कि अरे यार ये डिस्कशन तो किया ही नहीं मैंने, तो वो मैं आज हम लोग वो भी कवर करेंगे। ओके, आज डिस्क्वालिफिकेशन शुरुआत करते पहले। सीलिंग लिमिट, सीलिंग लिमिट मतलब मैक्सिमम, आप मैक्सिमम कितने ऑडिट असाइनमेंट्स कर सकते हैं। तो कंपनीज एक्ट में मैक्सिमम लिमिट स्पेसिफाइड है, सीलिंग लिमिट स्पेसिफाइड है, और लॉजिक बहुत आसान है। लॉ डजंट वॉन्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वर्क। अगर कुछ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनके पास में 300, 400, 500, 1000 क्लाइंट्स है, दे हैव 1000 क्लाइंट्स, और बेचारे नए चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो भटक रहे हैं, उनके पास कोई क्लाइंट नहीं है कोई खास, तो इससे इससे जो न्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, जो न्यू जनरेशन है, उनको प्रॉब्लम होता है। और दूसरा, क्वालिटी ऑफ द वर्क पे भी असर पड़ता है। मतलब कुछ लोग 1000 क्लाइंट संभाल रहे हैं तो क्वालिटी पे असर पड़ेगा, क्वालिटी डिटोरिएट हो सकती है। तो पूरे प्रोफेशन के बेनिफिट के लिए और क्वालिटी ऑफ वर्क को मेंटेन करने के लिए इंडिया में वी हैव सीलिंग लिमिट कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ज्यादा से ज्यादा कितने ऑडिट कर सकता है। तो लॉ में लिखा है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ज्यादा से ज्यादा 20 कंपनियों के ऑडिट कर सकता है। 20 कंपनीज, 20 कंपनियों के ऑडिट कर सकता है, 20 इज द सीलिंग लिमिट। लेकिन अब इसमें खास बातें एक एक करके, करेक्ट? जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की मैं बात कर रहा था, अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, किसमें है वो? पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट। सर, ऐसा हो सकता है कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के साथ में कोई पार्ट टाइम जॉब करे? यस, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के साथ में पार्ट टाइम जॉब भी हो सकता है और फुल टाइम जॉब भी हो सकता है।
सीए फाइनल में आप जाएंगे तो रेयरली इट इज पॉसिबल कि पार्ट टाइम एम्प्लॉय आप सीओपी के साथ साथ, आप किसके साथ, सीओपी, सीओपी के साथ साथ जॉब भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, सीए एक्ट में ऐसा लिखा है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर दूसरे सीए के अंडर जॉब करना चाहे, दूसरे सीए सीए फर्म के अंडर जॉब करना चाहे, बिंदास कर सकते हैं। लेकिन मतलब सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस रखा हुआ है, लेकिन पहले दिन से क्लाइंट नहीं मिलते ना सब, पहले दिन से आपको दिन भर काम करने को मिल रहा है, दिन भर आपके क्लाइंट की लाइन लगी हुई है, ऐसा नहीं होता। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझ के इंस्टीट्यूट ने बोला जा बेटा जा, दूसरे सीए के साथ काम कर, तब तक काम सीख भी लेगा, पैसे भी मिल जाएंगे, वहां पे कॉन्टैक्ट बन गए तो कोई नए क्लाइंट भी आ जाएंगे, तेरे पास नहीं आ रहे तो अकेले रूम में बैठ के तू क्या कर लेगा, जा दूसरे सीए के साथ में जॉब कर, इट इज अलाउड, करेक्ट, अलाउ किया हुआ है। अच्छा, दूसरी जगह भी जॉब कर सकते हैं, लेकिन फिर इंस्टीट्यूट से परमिशन लेनी पड़ती है, समझ रहे हैं आप? अभी आपके कोर्स में नहीं, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं नॉलेज के लिए कि एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट भी जॉब कर सकता है बिना किसी परमिशन के। कहां पे जॉब कर सकता है? सीए सीए फर्म के पास जाके कर ले बेटा, और परमिशन लेके, परमिशन लेके, परमिशन लेके वो जॉब करेगा दूसरी जगह पे, ठीक है। एनीवेज, अगर पार्ट टाइम अगर आप जॉब में जाते हो, किस में आते हो, पार्ट टाइम जॉब में, तो ऐसा बोलते ये पार्ट टाइम प्रैक्टिस करता है। क्या करता है? पार्ट टाइम प्रैक्टिस। और जो लोग ऐसे पार्ट टाइम जॉब, पार्ट टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो कंसल्टेंसी सर्विस दे सकते हैं, इनकम टैक्स की रिटर्न भरवा सकते हैं, जीएसटी के रिटर्न भरवा सकते हैं, वो ऑडिट नहीं कर सकते, दे डोंट हैव राइट टू साइन, क्योंकि अभी ये पार्ट टाइम है, नया नया है, ये पार्ट टाइम बंदा है, इसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी, हम इतना बड़ा राइट हम नहीं दे सकते। इसलिए जो लोग पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, मतलब वो लोग पार्ट टाइम प्रैक्टिस में है, वो लोग साइन नहीं कर सकते, साइन नहीं कर सकते मतलब उनकी लिमिट कितनी होगी, जीरो। समझ रहे क्या आप? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? जो लोग पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में है उनकी लिमिट कितनी हो जाएंगी साहब? जीरो, करेक्ट। और अब जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, ऑब्वियस है क्या हो जाएंगे? जीरो। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आप पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में कोई बंदा जा रहा है, मतलब पार्ट टाइम प्रैक्टिस को बोला जाता है, उसको साइन करने की अथॉरिटी नहीं होती है, मतलब उसकी ऑडिट करने की लिमिट कितनी हो गई साहब? जीरो। और लॉ में लिखा है जो बंदा फुल टाइम, अब ये तो कंपनीज एक्ट में ही लिखा है, यहां पे जो एनालिसिस दिया हुआ है दो एक्ट को मिलाकर है, कुछ बातें सीए एक्ट की है और कुछ बातें कंपनीज एक्ट की है, तो अपने को तो दो अल्टीमेट याद कैसे रखना कौन सी बातें है उस पर अपना फोकस है। पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में अगर सीए गया तो जीरो, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में गया तो जीरो, वो तो ऑब्वियस है और लॉजिकल है कि फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में गया तो जीरो, उसकी लिमिट हो जाएगी। फिर अगला सवाल उठता है कि फर्म की लिमिट कितनी होगी। एक फर्म में अगर चार पार्टनर्स है, चार पार्टनर्स है और चार में से एक फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में, कई और फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, तो बचे कितने? तीन। तो फर्म की लिमिट कितनी काउंट करेंगे? 3 × 20 = 60 काउंट करेंगे कि फर्म की लिमिट 20 ही काउंट करेंगे? 60 और 20 40, चार में से एक गए, तीन बचे, तो 3 × 20 = 60, 40 का आंकड़ा कहां से है? करेक्ट बोलना है? 20 बोला था आपने, ओके। अच्छा, अब हम लोगों ने कल पढ़ा था इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ पार्टनर्स इनडेटेडनेस की लिमिट कितनी है? 5। तो वहां आपने बोला था कि नहीं, फर्म में कितने भी पार्टनर्स हो इनडेटेडनेस की लिमिट कितनी होंगी? 5 लाख। लिमिट बढ़ने वाली नहीं है, सीलिंग लिमिट की तो आपने लिमिट बढ़ा दी। तो सर, यू आर कंपेयरिंग टू डिफरेंट थिंग्स ऑल टूगेदर, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, ऐसा है सर, कुछ भी कंपेयर कर रहे हैं आप। नहीं, कभी कभी क्या होता है, बच्चे फ्लो में आ जाते हैं और उसी के बेसिस पे यहां पे लगा देते। फ्लो में आना बहुत आसान है, वो अलग चीज है। वो किसकी बात थी? इनडेटेडनेस की। उसमें भी लॉजिक था, व्हेन फर्म इज इनडेटेड इट इज अज्यूम्ड दैट ईच एंड एवरी पार्टनर इज इनडेटेड, जॉइंट एंड सेवरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, यस नो? तो वो ये लॉजिक यहां पे नहीं, वहां पे इनडेटेडनेस था, यहां पे क्या है? लिमिट। कॉमन सेंस है
अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो कोई फर्म बनाएगा ही नहीं। बोले पागल हो गया, अकेले करो ऑडिट तो 20 और फर्म बनाकर करो तो भी 20, विल नॉट मेक एनी सेंस। मतलब मुझे किसी ने बताया था और मैं भी बच्चों को बताता हूँ, सीए फाइनल तक, सीए बनने तक और उसके बाद में भी सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है तो कॉमन सेंस। सीए बनने में आपकी बहुत मदद करे, कितने भी बड़े बड़े सब्जेक्ट हो, कितने भी बड़ी बड़ी बातें हो, कॉमन सेंस में बैठना चाहिए। अगर कॉमन सेंस में नहीं बैठता तो आपने उसको डाउट करना ही चाहिए, यू शुड। और अगर आप ऐसा करते हो तो मतलब यू आर अ थिंकिंग पर्सन, नहीं करते हो तो यू आर अ जॉम्बी पर्सन, करेक्ट? एंड फॉर जॉम्बीज इट विल बी डिफिकल्ट टू क्रैक द एग्जाम्स, सो बी अ थिंकिंग पर्सन। ओके, ये बात समझी साहब आपको? ओके, तो पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट है जीरो, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है जीरो, फर्म के लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर्स इंटू नंबर ऑफ पार्टनर्स हम लोग करेंगे, करेक्ट? इंटू नंबर ऑफ पार्टनर्स हमने कर दिया। नाउ अब आगे बढ़ते हैं कि सपोज हमारे पास में दो पार्टनर है, कितने पार्टनर साहब? दो पार्टनर, वी हैव टू पार्टनर्स। पार्टनर नंबर वन जो है उसकी 20 की लिमिट खत्म हो गई है, और पार्टनर नंबर बी जो है उसकी 15 ही लिमिट हुई है अभी। तो क्या ए बी की लिमिट यूज कर सकता है? कैन ए यूज लिमिट ऑफ बी? कि भाई फर्म की लिमिट थी तो मैं इसकी लिमिट यूज कर लेता हूं, मैं ए 25 साइन कर लेगा और बी 15 साइन कर लेगा, 25 और 15 दो लोगों की लिमिट 40। कैन दिस हैपन? यस नो? नो, दिस इज नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है। आर यू इन दिस पॉइंट? यस नो? अच्छा, अब मैं अगर बोलू हम चार कंपनीज का कंपनी ऑडिट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कंपनी ऑडिट, और दूसरी चार कंपनीज का हम टैक्स ऑडिट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? टैक्स ऑडिट। तो काउंट कितना करेंगे? 4 की 4 प्लस 4 8। कुछ कंपनीज का हम कंपनी ऑडिट कर रहे हैं और कुछ कंपनी का हम लोग टैक्स ऑडिट कर रहे हैं। टैक्स ऑडिट सब आपने पढ़ा होगा इनकम टैक्स में, यस नो? आप मेरा डाउट समझा आपको? तो फोर, चार एक कंपनीज का कंपनी ऑडिट और चार कंपनीज का हम क्या कर रहे हैं? टैक्स ऑडिट। तो 4 प्लस 4 8 करेंगे क्या? नो, टैक्स ऑडिट की लिमिट अलग है, 60 है, बट दैट लिमिट इज फॉर ऑल द असेसीज। आपने प्रोपराइटर का ऑडिट किया वो भी काउंट होगा, आपने पार्टनरशिप का ऑडिट किया वो भी काउंट होगा, आपने कंपनी का टैक्स ऑडिट किया वो भी काउंट होगा। सबको टैक्स ऑडिट समझता है? यस नो? करेक्ट। टर्न और प्रिस्क्राइब लिमिट के ऊपर जाता है तो वो असेसिस को क्या करवाना पड़ता है? टैक्स ऑडिट करवाना पड़ता है, तो उसकी लिमिट 60 है। समझ रहे हैं आप? सिर्फ कंपनी का ऑडिट करने की लिमिट कितनी है? 20। अब यहां पे खास बात क्यों मैंने आपको उसके बारे में रेफरेंस दिया, टैक्स ऑडिट में एक की लिमिट दूसरी बंदा यूज कर सकता है। ये फेमस क्वेश्चन है और एमसीक्यूज में अगर कभी सीए फाइनल में इसको बहुत टारगेट किया जाता है, ये दो पॉइंट्स के ऊपर। अब इतना टारगेट हो गया तो हो सकता है आईपीसी में डाल दे। वो वहां पे ऐसा क्वेश्चन था कि 10 पार्टनर है तो 10 × 6 कितना हो गया? 60। कितना हो गया? 600। क्या एक ही पार्टनर पूरे 600 साइन कर सकता है? यस। वहां पे एक पार्टनर की लिमिट दूसरा पार्टनर यूज कर सकता है टैक्स ऑडिट में। कौन से ऑडिट में साहब? टैक्स ऑडिट में, ठीक है? जहां पे आपका फिफ्थ नंबर का पॉइंट है वहां पे सिर्फ आप लिख सकते हो, फिफ्थ नंबर का पॉइंट है वहां पे आप लिख दीजिए, इन टैक्स ऑडिट
लिमिट, ऑफ वन पार्टनर कैन बी यूज्ड बाय अनदर पार्टनर. और जहां पे आपने लिमिट वर्ड लिखा होगा उसके आजू बाजू ऊपर नीचे कहीं पे ब्रैकेट में 60 लिख देना. इस पॉइंट क्लियर? ओके. पार्ट टाइम वाले की जीरो, फुल टाइम वाले की जीरो, फर्म की लिमिट इनटू 20, एक की दूसरी लिमिट बंदा यूज कर नहीं सकता. अच्छा, अगर पार्टनर मल्टीपल फर्म्स में पार्टनर है तो अलग अलग एरियाज में, करेक्ट? तो मतलब एक एरिया में गया, वहां पे पार्टनरशिप फर्म, उसकी लिमिट 20, फिर दूसरे एरिया में और एक पार्टनरशिप फर्म है उसकी भी 20, ऐसा होगा क्या? फिर तो लिमिट का मजाक बन जाएगा. मतलब बस पार्टनरशिप फर्म बनाते जाओ, 20-20 मिलते गए, ऐसा नहीं होगा. फिर से कॉमन सेंस में नहीं बैठता है. तो लॉ में सिंपल से लिखा है, इफ यू आर पार्टनर इन मल्टीपल फर्म्स, ऑल द असाइनमेंट्स इन यूर नेम कंबाइंड शुड नॉट एक्सीड 20. आपके नाम पे जितने भी असाइनमेंट है, जितने भी असाइनमेंट आप साइन कर रहे हो, वो कंबाइन करके कितना क्रॉस नहीं होना चाहिए? 20 क्रॉस होना नहीं चाहिए. इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? ओके. अभी कहानियां बहुत, फिर अब लोग ना बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए, बोले सिर्फ 20, सिर्फ 20, खर्चे कितने होते हैं आजकल पता है तुमको? बोले सिर्फ 20 कंपनी को ऑडिट करेंगे, इट इज टू लो. खर्चे कैसे निकलेंगे, कमाई कैसे होगी? तो अच्छा, और एक प्रॉब्लम हो गया, कंपनी वाले परेशान हो गए, ऑडिटर असाइनमेंट छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, नहीं नहीं मैं सिर्फ महंगे वाले काम करूंगा. जो भी छोटी कंपनियां थी वो परेशान हो गए, छोटी कंपनीज परेशान हो गए कि अरे लोग मेरा ऑडिट नहीं कर रहे, बोले लिमिट, बोले फालतू इतनी सी फीस के लिए लिमिट में बर्बाद नहीं करूंगा. यहां पे ऑडिटर्स परेशान, सिर्फ 20 की लिमिट है. उधर वो कंपनी वाले परेशान कि यार ये ऑडिटर मेरे असाइनमेंट छोड़ छोड़ के जा रहे हैं. तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास गए, जेटली साहब के पास, कि देखो ये जम नहीं रहा है कुछ, है ना, ये जम नहीं रहा है. तो उन्होंने एग्जेम्पशंस लाए, एग्जेम्पशंस लाए कि जब हम 20 की काउंटिंग करेंगे तो कुछ कंपनीज को काउंट नहीं करेंगे. कुछ कंपनीज को काउंट नहीं करेंगे मतलब जी लो जिंदगी, जितने चाहे उतने असाइनमेंट करो, उसके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम भी खुश, वो कंपनी वाले भी खुश कि भाई मेरे को, मेरे तो मेरा ऑडिट करने से लिमिट कंज्यूम नहीं होती, तो सारे सीए मेरा ऑडिट कर सकते. अब गेटिंग दिस पॉइंट, एग्जेम्पशन लाया उन्होंने. और अब एग्जेम्पशन लाने का एकदम सिंपल तरीका, कंपनीज एक्ट में तो क्या, कोई भी चीज एक बार पढ़ना है फिर हर बार कंपेयर करना है. मतलब सर ये एग्जेम्पशन अभी हम पढ़ रहे हैं, अब जहां पर भी एग्जेम्पशन आएंगे ऐसे हम इससे कंपेयर करेंगे. मैंने बोला हर चीज मेरे को तो कोई ना कोई फ्लो में याद रहती है. सबसे छोटी कंपनी ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, उससे थोड़ी बड़ी स्मॉल कंपनी, उससे थोड़ी और बड़ी डोरमेंट कंपनी, करेक्ट? ऐसे मेरे दिमाग में तो यही फिट रहता है, थोड़ी और बड़ी डोरमेंट कंपनी, उससे थोड़ी और बड़ी प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल, ठीक है, लेस देन 100 crores, नॉट एक्सीडिंग 100 crore नहीं बोला है, लेस देन. जनरली वर्डिंग्स क्या होती है, नॉट मतलब एक्सीडिंग ये लिमिट के ऊपर, करेक्ट? जैसे अभी था डिस्क्वालिफिकेशन कब लगेगा, एक्सीडिंग 5 lakhs, रिलेटिव्स की होल्डिंग एक्सीडिंग 1 lakh, उसको याद नहीं रखना पड़ता, लेस देन वाली वर्डिंग को याद रखना पड़ता. ये लेस देन वाली वर्डिंग यहां पे क्विकली कितने लोगों को एग्जेम्प्ट किया, सबसे छोटा ओपीसी, वन पर्सन कंपनी को एग्जेम्प्ट कर दिया, उससे बड़ा स्मॉल कंपनीज है, स्मॉल कंपनीज को, उससे बड़ा डोरमेंट कंपनी, डोरमेंट कंपनी से बड़ा प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल लेस देन 100 crores. चार तरह की कंपनीज को इन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया. इसका मतलब क्या हुआ,
बस जी लो जिंदगी, जितने चाहे उतने ऑडिट्स करो, जितने चाहे उतने ऑडिट्स करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपका लिमिट कंज्यूम होने वाला नहीं है, तो खुश हो गए लोग, बहुत बढ़िया। अच्छा, सबको डॉर्मेंट कंपनी समझता है, ऐसी कंपनी जिसमें कोई ट्रांजैक्शंस, कोई ट्रांजैक्शंस नहीं चल रहे, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन कुछ नहीं चल रहा, कंपनी बंद पड़ी है, ऐसा बोल सकते हैं, डॉर्मेंट, डॉर्मेंट वर्ड ही उसके लिए होता है, ठीक है, सिर्फ एसेट्स है उनके पास में शायद कुछ, तो उसको हम लोग डॉर्मेंट कंपनी बोलते हैं। तो ऐसी कंपनीज है उनको क्या कर दिया साहब, एग्जेम्प्ट। इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? यस नो? अच्छा, कहानी में ट्विस्ट, सीए इंस्टीट्यूट की 2008 की गाइडलाइंस है, काउंसिल गाइडलाइंस। सीए जैसे कंपनी में सबसे बड़े अथॉरिटी पे, सबसे बड़े पोस्ट पे कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हैं। यस नो? मोस्ट पावरफुल बॉडीज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वेले सीए इंस्टीट्यूट में, सीए इंस्टीट्यूट में सबसे बड़ी जो बॉडी है दैट इज काउंसिल ऑफ आईसीए। अभी इलेक्शंस भी है दिसंबर में, अभी अभी मतलब अभी 8 तारीख को इलेक्शन है, वोटिंग के लिए जाना है मेरे को भी। सीए इंस्टीट्यूट के इलेक्शंस होते हैं काउंसिल बॉडी के लिए, तो उसके इलेक्शंस भी है। तो काउंसिल ने गाइडलाइंस बनाई थी 2008 में, और ये एक्ट है कब, 2013। तो काउंसिल गाइडलाइंस में ऐसा लिखा है दैट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कैनॉट डू मोर देन 30 कंपनी ऑडिट्स। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कैनॉट डू मोर देन 30 कंपनी ऑडिट्स। अरे रे 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 रे, मतलब सीलिंग लिमिट पे दो लोग बात कर रहे हैं। कंपनी जैक क्या बोलता है? 20। ये कितना बोलता है? 30। करेक्ट। अब दोनों लोग एक चीज पे बात कर रहे हैं, अब हमको कंबाइंड इंटरप्रिटेशन देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? कंबाइंड इंटरप्रिटेशन। अब कंबाइंड इंटरप्रिटेशन कैसा होता है, इसको इंटरप्रिट करने का एक तरीका होता है, विच एवर इज स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट कौन सा ज्यादा है, 20 वाला कि 30 वाला? 20 वाला। यस नो? तो आप 20 वाला फॉलो कर लो, 20 फॉलो करोगे तो अपने आप क्या फॉलो होगा, 30 फॉलो हो ही जाएगा। यस नो? सपोज कोई मीठा खाने का बहुत शौकीन है, करेक्ट, डॉक्टर ए ने बोला कि तुम 6 महीने में 20 रसगुल्ले खा सकते हो, डॉक्टर बी ने बोला कि तुम 30 खा सकते हो, हमको दोनों को खुश करना है, दोनों की बात माननी है, तो क्या सिलेक्ट करो, विचर इज स्ट्रिक्ट। यस नो? विचर इज स्ट्रिक्ट आप यूज कर लो, 20 आप सिलेक्ट कर लो, तो डॉक्टर ए भी खुश हो जाएगा और डॉक्टर बी भी खुश हो जाएगा। यस नो? लेकिन कहानी में अब मतलब 20 और 30 का झगड़ा चल रहा है यहां पे, तो स्ट्रिक्ट वाला कौन सा है? 20। तो 20 फॉलो कर लो। लेकिन अब कहानी में ऐसा ट्विस्ट है कि एग्जेम्पशंस जो है वो सिर्फ कंपनीज एक्ट में, कहां पे? सिर्फ कंपनीज एक्ट में। वो एग्जेम्पशन कहां नहीं है? काउंसिल गाइडलाइंस में नहीं है। फिर अब क्या करना? इज एवरीवन विथ मी? आपको समझ आया क्विकली? कंपनी एक्ट में कितनी लिमिट है? 20। सीए इंस्टीट्यूट में 30। विच एवर इज स्ट्रिक्ट, विच इज स्ट्रिक्ट? 20। तो 20 हमको फॉलो करना है। लेकिन और एक दिक्कत ऐसी है कि एग्जेम्पशंस जो है, एग्जेम्पशंस कहां पे? कंपनीज एक्ट में है, यहां पे नहीं है। तो फिर अभी कंबाइंड इंटरप्रिटेशन कैसा था सुन लो। मतलब ऐसा है कि आप 20 ऑडिट कर सकते हो एक्सक्लूडिंग 4 टाइप्स ऑफ कंपनीज। 20 में एग्जेम्पशन है? 20 में एग्जेम्पशन है? यस नो? तो आप 20 ऑडिट कर सकते हो एक्सक्लूडिंग 4 टाइप्स ऑफ कंपनीज, और आप 30 ऑडिट कर सकते हो इंक्लूडिंग 4 टाइप्स ऑफ कंपनीज, क्योंकि 30 में एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है, तो कंबाइंड इंटरप्रिटेशन निकलता है। करेक्ट? ये बात समझी क्या साहब आपको? करेक्ट। 20 में 20 की जो लिमिट है, आप 20 करो, एक्सक्लूड करके 20 होने चाहिए और इंक्लूड करके 30 होने चाहिए।
और एक बात, जब तक प्रॉब्लम में, जब तक प्रॉब्लम में या केस स्टडी में आईसीएआई के काउंसिल गाइडलाइंस के बारे में कुछ लिखा ना जाए, तब तक उसको नहीं लगाना। मैं जब से पढ़ रहा हूं, मतलब मैं जब से पढ़ रहा हूं, करेक्ट, आई क्लियर्ड माई इंटर इन 2000। हाँ बराबर, हाँ वो रैंक का फोटो दिखाऊंगा सर ने, तो उसमें 2003-04 में कंप्लीट। तो और उसके भी पहले से सेक्शन 224 सबसेक्शन 1 भी हुआ करता पुराने एक्ट में, तब से लिमिट्स चलती आ रही है, सिर्फ उसकी थोड़ी थोड़ी चीजें बदलती गई। तो तब से उन्होंने जितने भी केसेस पूछे हैं हमेशा 20 के हिसाब से आंसर किया है, कभी वो 30 लेके ही नहीं आए। दे नेवर ब्रॉट 30 इनटू कंसिडरेशन। तो हमको नॉलेज लेना जरूरी है साहब, अभी नए कोर्स में वो लोग क्या, हमको नॉलेज लेना जरूरी है, लेकिन हमको ये पता करना भी जरूरी है कि पास्ट पेपर्स में उन्होंने क्या किया। जो उन्होंने पास्ट पेपर्स में फॉलो किया हम उसको हम फॉलो करते हैं। अपन ने भी खुद होके नहीं, आप सब एक्सप्लेन कर दो, 20 के हिसाब से सॉल्व कर दो केस स्टडी, आखिरी में जाके आप नोट दे सकते हो, एज पर आईसीआई का गाइडलाइंस 30 की लिमिट होती है जिसमें एग्जेम्पशंस दिए हुए नहीं। इज पॉइंट क्लियर? ठीक है, सब छाप के दिया मैंने, क्योंकि मेरे को पता है मैं क्या बोल रहा हूं। फर्दर देयर आर आईसीआई गाइडलाइंस 2008 विच सेज सीलिंग लिमिट शुड बी 30 including all types of company. So if we take combined interpretation, then CA can do audit, do 20 audits excluding 4 types of companies specified above and 30 companies including 4 types of companies specified. But this point can be given at the end as additional knowledge. Solve problems as per limit of 20 unless specifically mentioned about the guidelines. बात समझिए? यस नो? ओके, अब मैं आपको केसेस पूछता हूं, करेक्ट, इसी नॉलेज के ऊपर जितना हमने पढ़ा उसके ऊपर बेस्ड। ठीक है, आप ठीक है, मैं भी लिखता हूं। ओके, तो एक एक करके, पहला सवाल, अगर मैं बात करता हूं गवर्नमेंट कंपनी की, गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी की अगर बात करता हूं मैं, तो गवर्नमेंट कंपनी को काउंटिंग में लेंगे कि नहीं लेंगे? अगर हम उसका ऑडिट कर रहे हैं, अगर हम उसका ऑडिट कर रहे हैं, तो उसको काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? सेक्शन 8 कंपनी जो चैरिटी पर्पस के लिए बनती है, उसको भी काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? फिर इसलिए मैंने आंसर नहीं दिया अभी तक, लेट द सस्पेंस बिल्ड अप थोड़ा बहुत। और हम प्रोप्राइटर का ऑडिट करते हैं, प्रोप्राइटर का ऑडिट करते हैं, उसको काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? पार्टनरशिप का ऑडिट करते हैं, तो उसको काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? जवाब नहीं दिया मैंने,
फिर हम लोग जॉइंट ऑडिट्स करते हैं, मतलब एक ही एंटिटी के दो ऑडिटर्स, एक ही एंटिटी के दो ऑडिटर्स या तीन ऑडिटर। तो अगर जॉइंट ऑडिट है तो लिमिट काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि हम पूरा ऑडिट नहीं कर रहे, हम आधा ऑडिट कर रहे या 1/3 कर रहे, चार हुए तो 1/4 कर रहे, काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। फिर करेंगे तो और एक सवाल उठेगा, कितना काउंट करेंगे? आधा ऑडिट किया, 1/4 किया, 1/3 किया है। फिर हैंड राइटिंग की आप लोगों को आदत हो जाएंगी धीरे धीरे। यू मस्ट हैव रियलाइज्ड व्हाई आई डोंट राइट मच, करेक्ट? बचपन से ऐसी है, कुछ नहीं कर सकता मैं। तो मेरे दोस्त तो बोलते थे ये क्या लिखता था, सामने वाले को समझता था नहीं। इसको इसको मार्क्स वार्क्स मिल गए। तो जॉइंट ऑडिट, फिर इसके बाद अगर कोई बंदा कंपनी का ऑडिट कर रहा है, साथ में ब्रांच का ऑडिट भी कर रहा है, तो कितना, मतलब एक काउंट करेंगे कि दो काउंट करेंगे? और सिर्फ अगर ब्रांच का कर रहा है, सिर्फ ब्रांच का ऑडिट कर रहा है, मेन ऑडिट नहीं कर रहा है, बोले तो पागल बना रहे ये। काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करना चाहिए, बोले पहले ही कमाई, बोले कमाई, बोले कहाँ काउंट। हाँ तो मतलब ओनली 3 ब्रांचेस और 4 ब्रांचेस, मेन ऑडिट नहीं कर रहे हम, सिर्फ ब्रांच को ऑडिट कर रहे। काउंट करेंगे आप बोल रहे, करने चाहिए, करेक्ट? सर ने बोला एसबीआई कॉमन सेंस में नहीं बैठता सर, बोला ऐसा आपका मानना है। एसबीआई के आई डोंट नो हाउ मेनी ब्रांचेस, बट इट मस्ट बी, अभी मैंने पढ़ा था लेकिन अभी वो क्लिक नहीं हो रहा, मस्ट बी मोर देन 50,000, बहुत ज्यादा हो गया, बराबर लगा 50,000 या उसके आसपास, 50,000 के तो ऊपर है। इट इज फॉर्च्यून 500 कंपनी एस बी आई, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज ऑफ द फॉर्च्यून 500, मतलब बिगेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, टॉप 500 में आती है एस बी आई। चलो बताऊंगा मैं आपको। फिर इसके बाद फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी को काउंट करें कि नहीं करेंगे? यस नो, करेंगे काउंट? हाँ बोले, वो भी कंपनी है, क्यों नहीं करेंगे? ठीक है, चलो मैं एक एक करके अब जवाब देता हूं। हाँ 20 में, 20 में बात कर रहा हूं, 20 में काट, पूरा 20, 20 ही हमारा मेन है, 30 नॉलेज के लिए। लेट्स सी वन बाय वन। गवर्नमेंट कंपनी, इट विल बी काउंटेड, इट्स अ कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी इज अ बिग कंपनी भैया, इतना बड़ा काम कर रहा है तू, तो काउंटिंग तो होनी चाहिए। सेक्शन 8, सेक्शन 8 ऐसा है कि उल्टा वहां पे ऑडिट की ज्यादा जरूरत है, करेक्ट? जो गलत काम है वहां पे होने के चांसेस काफी होते हैं, डोनेशन ऑन पेपर दिए जाते हैं और कैश में निकाल लिए जाते हैं। ऑन पेपर डोनेशन देने का, इनकम टैक्स में डिडक्शन लेने का, और फिर बाद में वो पैसे को वापस ब्लैक में दे देने का, कैश में दे देने का कंपनी को, उनको 30% की सेविंग मिल जाती है, करेक्ट? 30 पैसे 5% चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को दे देने का, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को। बहुत से लोगों ने तो बिजनेस बना के रखा है, बहुत ही एक नंबर बिजनेस है, सबसे अच्छा, मतलब टू हैव अ प्लेस ऑफ वर्शिप एनी रिलीजन, बेस्ट, सुख में भी
दुख में भी, और आपको शांत एटमॉस्फेयर देना है, अच्छा माहौल रखना है आपको, लोग खुद आके भक्ति करते हैं, अपने आप रिलीफ मिलता है उनको, चले आते, आपको कुछ नहीं करना पड़ता खास, जो करते हो लोग ही खुद करते हैं। करेक्ट, एनीवेज ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दी रिलीजन भाई। हाँ, तो सेक्शन 8 जो है वहां पे ज्यादा जरूरत है, इट विल बी काउंटेड। प्रोप्राइटर का ऑडिट, कंपनी ऑडिट में उनको कंपनीज एक्ट नहीं लगता, उनको कंपनीज एक्ट नहीं लगता, तो उसकी लिमिट कहां से लगेंगी, कॉमन सेंस में नहीं बैठता। पार्टनरशिप ऑडिट, ज्वाइंट ऑडिट, यस ठीक है, पूरा वन काउंट करेंगे, आधा आधा कुछ नहीं, चार लोग मिलकर ऑडिट कर रहे हैं तो सबकी एक एक लिमिट काउंट हो जाएगी। कंपनी ऑडिट और उसके ब्रांच, तो इट विल बी काउंटेड एज वन। सिर्फ अगर आप ब्रांच को ऑडिट कर रहे हो, ठीक है, इट विल नॉट बी काउंटेड, इट विल नॉट बी काउंटेड। मैं भी ऐसा मानता था कि ब्रांचेस का अगर ऑडिट है तो काउंट करना चाहिए, फिर कंपनीज एक्ट 1956 के बहुत सारे सर्कुलर्स वगैरह पढ़, उसमें एक सर्कुलर में ऐसा लिखा है, डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि उसको काउंट करने की जरूरत नहीं है, और वही रीजन था कि बहुत हार्डशिप हो जाएंगी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बैंक ऑडिट लगते हैं हर साल, बैंक ऑडिट सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनको बैंक ऑडिट चाहिए उनको अपने एम्पैनलमेंट करना पड़ता है, मतलब पैनल पे आना पड़ता है, पैनल मतलब लिस्ट, तो उस पे आना पड़ता है, तो फिर उनको बैंक ऑडिट्स अलॉट होते हैं, ब्रांचेस वगैरह भी मिलती है, अलग अलग बैंक्स ही मिल सकती है, तो बोले वहां पे कंज्यूम हो जाएगा तो उसको काउंट नहीं करते, ओनली ब्रांचेस। फॉरेन कंपनी इज वेरी इंटरेस्टिंग, अब वो ध्यान से सुन लेना, नहीं बोला इंटरेस्टिंग, फॉरेन कंपनी के नाम में कंपनी है बट इट इज नॉट अ कंपनी, है ना, क्या बोल रहा है, बोले समझ रहा है क्या तेरे को, फॉरेन कंपनी इज अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, बराबर, हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, तो इट इज रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, यस नो, ओके, सो फॉरेन कंपनी इज रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। अब इंडिया में कंपनीज एक्ट की अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे, कंपनी मीन्स कंपनी, कंपनी मीन्स, तो बचपन में मेरे को बहुत कंफ्यूज होता था यार, कंपनी के डेफिनेशन में उन्होंने कंपनी वर्ड यूज किया है ना, कंपनी के डेफिनेशन में कंपनी वर्ड यूज कर लिया, कहां जाऊं मैं, कंपनी मीन्स कंपनी विच इज रजिस्टर्ड इन इंडिया, तो मुझे लगता है कि ऐसा उन्होंने लिखना चाहिए था, एंटिटी विच इज रजिस्टर्ड एज कंपनी इन इंडिया, वो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन अपन कुछ नहीं कर सकते। कंपनी मतलब क्या, कोई भी एंटिटी अगर इंडिया में आरओसी के पास में जाकर रजिस्टर हुई है एज अ कंपनी, करेक्ट, तो उसको हम लोग क्या मानते हैं इंडिया में, कंपनी अंडर द करंट एक्ट और द प्रीवियस एक्ट, यस नो। अब ये जो फॉरेन कंपनी है, इट इज नॉट रजिस्टर्ड इन इंडिया, इट इज रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, तो इट इज नॉट कवर्ड इन डेफिनेशन ऑफ कंपनी, तो उसको बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट, इट इज अ आर्टिफिशियल, लेकिन ये आर्टिफिशियल है, जो भी है बाहर बनी है लेकिन ये क्या है, आर्टिफिशियल है, तो इट इज अ आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी, बॉडी कॉर्पोरेट है, हवा लग रही है सब, यस नो, तो बहुत आसान है, और ये डेफिनेशन सेक्शन में दिया भी है, जब अपन डेफिनेशन सेक्शन देखेंगे आखिरी में तो तब इसको भी कवर अप कर लेंगे। फॉरेन कंपनी के नाम में कंपनी है लेकिन वो कंपनी नहीं है, वो बॉडी कॉर्पोरेट है बिकॉज इट इज रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। अब यहां पे कॉन्ट्रोवर्सी इरप्ट हो गई, कुछ लोगों ने बोला कि अरे दिस लिमिट इज फॉर कंपनी ऑडिट्स एंड इट इज नॉट अ कंपनी, सो इट शुड नॉट बी काउंटेड। अरे लिमिट किसके लिए, कंपनी ऑडिट्स के लिए, और ये कंपनी नहीं है, इट इज नॉट अ कंपनी, तो इसको काउंट क्यों कर रहे हो, इट शुड नॉट बी काउंटेड।
कुछ लोगों ने बोला कि लेकिन ये काम तो है, ऑडिट्स कर रहे हैं, और छोटा ऑडिट होता है ऐसा भी नहीं है, तो इट शुड बी काउंटेड. पुराने एक्ट में ये नहीं था, क्योंकि पुराने एक्ट में स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया था उन्होंने उसको. तो कुछ लोगों ने ये बोला, पुराने एक्ट में तो एक्सक्लूड किया था, मतलब इंटेंशन ऑफ द लॉ वॉज टू एक्सक्लूड इट. इस बार नहीं किया है, मतलब इंटेंशन ऑफ द लॉ इज टू इंक्लूड इट. तो उसमें थोड़ा झगड़ा है. और एक्सपर्टीज इसी को बोलते हैं, आपको झगड़ा पता होना चाहिए, यू शुड नो, क्योंकि फिर कहीं पढ़ा तो हम कंफ्यूज हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो देर इज अ कॉन्ट्रोवर्सी, कॉन्ट्रोवर्सी में अपन दोनों लिख के आना, ये उसका बेस्ट सॉल्यूशन है. कभी अगर होता है, इसलिए यहां पे लिखूंगा मैं कॉन्ट्रोवर्सी. और ये छाप के दिया मैंने, लिटिल कॉन्ट्रोवर्सी हियर रिगार्डिंग फॉरेन कंपनी. फॉरेन कंपनी इज कंसिडर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट एंड नॉट कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट. नाउ व्हाइल काउंटिंग वी शुड ओनली टेक कंपनीज एंड नॉट बॉडी कॉर्पोरेट्स सच एज फॉरेन कंपनी. दिस व्यू इज सपोर्टेड बाय सम ऑथर्स, बट प्रैक्टिस मैनुअल, अभी तक के प्रैक्टिस मैनुअल बहुत ज्यादा फेमस हुआ करती थी, क्योंकि ओल्ड कोर्स में इट वॉज अ क्वेश्चन बैंक, करेक्ट. तो मैंने बोला, मैंने प्रॉमिस किया आप लोगों को इस बार कि मैं देने वाला हूं क्वेश्चन बैंक. तो बट पीएम समटाइम्स कंसिडर्स फॉरेन कंपनी व्हाइल काउंटिंग, सो एक्सप्रेस बोथ व्यूज व्हाइल एंसरिंग क्वेश्चंस. दोनों व्यूज अगर इस पॉइंट पे आया तो ठीक है. हवा लगी सब आपको? ये भी आप लोगों ने लिख लेना चाहिए. आई डोंट नो इफ लिखा है तो, मतलब आपको ऐसे ही लिखना आपने फटाफट. मतलब फॉरेन कंपनीज की बात कर रहे हो? नहीं, फॉरेन वो अलग है, वो पार्टनरशिप फर्म्स के लिए. पार्टनरशिप फर्म्स एक लिमिट के ऊपर अगर बड़ी हो जाती है, पार्टनरशिप फर्म या कोई भी अगर कुछ लोग मिलकर अगर काम कर रहे हैं, करेक्ट, और जो प्रॉफिट शेयरर्स है, जो जितने लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, वो अगर बहुत ज्यादा, पार्टनरशिप फर्म के लिए बेसिकली, अगर वो फर्म बहुत बड़ी हो जाए तो आपको कंपल्सरीली कंपनी में रजिस्टर करना पड़ता है. वो चीज यहां एप्लीकेबल नहीं होगी, बिकॉज दिस इज नॉट पार्टनरशिप फर्म, ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंटिटी है, ठीक है. और कंपनीज एक्ट में फॉरेन कंपनी के लिए पूरा अलग से चैप्टर है, उनके लालन पालन के लिए, उनसे रिलेटेड जितने भी रूल्स रेगुलेशंस है उसके लिए अलग से चैप्टर बना हुआ है, तो वो यहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा. सर का डाउट समझा? सर ने बोला कि यार एक लेवल के ऊपर अगर आपके मेंबर्स बढ़ते हैं तो आपको कंपनी बनाना ही है, बट दैट इज एप्लीकेबल टू पार्टनरशिप फर्म्स. फर्म्स अगर एक लिमिट लेवल के ऊपर बड़ी हो जाती है तो उनको एज अ कंपनी रजिस्टर होना पड़ता है. वहां पे और एक आप लिख सकते हो, टैक्स ऑडिट. टैक्स ऑडिट किसी भी तरह का काउंट नहीं होगा. दिस ओनली कंपनी ऑडिट लिमिट. अब यहां पे क्या केस पूछते हैं मैं आपको बताया, तो एकदम स्टैंडर्ड केस है, बरसों से वही आ रहा है. ऐसा बताएंगे चार पार्टनर है, एक पार्टनर फुल टाइम पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, तो उसकी लिमिट कितनी हो जाएंगी? जीरो. उसकी लिमिट जीरो हो जाएंगी, बचे तीन, तो 3 × 2 = 60. फिर वो लिस्ट देंगे प्रेजेंट असाइनमेंट्स की, जैसे मैं लिस्ट दे रहा हूं विथ नंबर ऑफ क्लाइंट्स, ऐसा लिस्ट दे देंगे. तो उसमें से कुछ काउंटिंग में आएंगे, कुछ काउंटिंग में नहीं आएंगे, करेक्ट. तो ऐसी लिस्ट बना के क्रॉस, जो जो आएंगे काउंटिंग में,
जो काउंटिंग में आएंगे उसकी टोटल बराबर आएंगी 58 या 59 बराबर, मतलब इतना सालों से देखा है ऐसी आती है, या तो 58 आती है या तो 59 आती है। बोले बहुत ही रट्टा है सर आपका। इतने वो केसेस में ऐसी 58 59 आती है उसकी टोटल, तो बराबर दिखता है कि कितने लिमिट्स बाकी है, एक या दो लिमिट बाकी है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑडिट फर्म कैन डू, तो आपका 3 × 20, ठीक है, 3 × 20 आपका 60 आता है। फिर पूछते हैं, ठीक है, हाउ मेनी असाइनमेंट शुड बी काउंटेड, कितनी काउंटिंग होनी चाहिए एज ऑन टुडे, तो आएगा 58 59। फिर पूछते हैं, कितनी लिमिट बाकी है, तो 60 − 58, दो लिमिट बाकी है, एक लिमिट बाकी है, सबके दो दो मार्क रहते हैं, करेक्ट। फिर उसके बाद आखिरी क्वेश्चन रहता है, सपोज कंपनी को हमने ऑफर किए इतने असाइनमेंट्स, फर्म को हमने और इतने असाइनमेंट्स ऑफर किए, उसमें भी कुछ काउंटिंग वाले रहते हैं और कुछ काउंटिंग वाले नहीं रहते। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस नो? तो हमको उधर भी देखना पड़ता कि ये तो काउंटिंग में नहीं आएगा, जैसे एग्जेम्प्ट वाले वो काउंटिंग में आने वाले नहीं है। तो फिर उसमें ऐसा दिखता कि बराबर एक या दो ही काउंटिंग आती है, जो असाइनमेंट्स ऑफर किए, जो असाइनमेंट्स ऑफर किए उसमें एक या दो की काउंटिंग आती है। फिर यह बोलना पड़ता है, कभी कभी मैच हुआ था 58 यहां पे आ रहा था, दो लिमिट है यहां पर भी, दो लिमिट है, यस दे कैन एक्सेप्ट, गेटिंग दिस पॉइंट। फिर कभी आता यहां 59 था, 59 हो चुके थे और ऑफर में कितने मिले, दो, तो बोले एक एक्सेप्ट कर सकते एक एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और वो भी एक्सेप्ट करना है तो एग्जिस्टिंग कोई असाइनमेंट छोड़ना पड़ेगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? वंस अगेन बता रहा हूं मैं, वो क्वेश्चन बैंक के अंदर ये क्वेश्चन डाल दूंगा मैं, रहेगा उसमें, बहुत सिंपल सा रहता है। पहले पूछते कि टोटल कितने असाइनमेंट कर सकते, कितने पार्टनर थे, 3, 3 × 20 कितने हो गए, 60। फिर बोलते अभी जो असाइनमेंट की लिस्ट है वो ये है, आप काउंटिंग करो, तो कुछ काउंट होंगे कुछ काउंट होने वाले नहीं है, जो काउंट होने वाले उसका टोटल आएगा सपोज 58 आ गया टोटल। फिर पूछे कितनी लिमिट बाकी है, 60 − 2 कितनी बाकी है, 2। फिर ऐसा बताएंगे 10 नए कंपनीज का ऑफर हुआ है, लेकिन 10 में से आप देखोगे तो 10 में से आप अगर देखोगे तो 8 की तो काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 1% कंपनी थी, डोरमेंट कंपनी थी, या आपके करेक्ट स्मॉल कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, इन सब में आ गए वो, या फिर प्रोप्राइटर वगैरह थे जिनकी काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। तो बराबर उसमें भी बताता है कि काउंटिंग वाइज सिर्फ दो ही काउंट करना है इसमें से, सिर्फ कितना काउंट करना है, दो। फिर अल्टीमेट आंसर देना पड़ता है कि एक्सेप्ट करना कि नहीं करना, तो लिखना पड़ता है 58 हो गए थे, दो की लिमिट हमारे पास में अवेलेबल थी, जो ऑफर किया है उसकी काउंटिंग भी सिर्फ दो होने वाली है, तो वी कैन एक्सेप्ट। और अगर मिसमैच निकला सपोज कभी, यहां पे 59 आ रहा है, एक ही बाकी था और यहां पे कितने मिल रहे हैं, दो, तो बोले एक एक्सेप्ट करना है एक छोड़ देना, और उसको भी अगर एक्सेप्ट करना है तो यू हैव टू लीव एग्जिस्टिंग असाइनमेंट, एग्जिस्टिंग किसी असाइनमेंट से आपको रिजाइन करना पड़ेगा। बात समझिए सब? ओके, सो वी आर थ्रू विथ 1C, दैट इज सीलिंग लिमिट। बहुत ही इंटरेस्टिंग, अगेन इन बिग प्रॉप्स देर इज अ चैलेंज एंड चांस ऑफ फेलियर, तो और एक सी, करेक्ट, और एक सी हमारा। नाउ नेक्स्ट सी इज कॉरपोरेट्स, बॉडी कॉरपोरेट्स साहब, ऑडिट की जिम्मेदारी बहुत सेंसिटिव है, बहुत जिम्मेदारी वाला काम है अकाउंटिंग और ऑडिट। मैंने बोला अकाउंटिंग करने वाला अगर आदमी ट्रस्टवर्दी नहीं है तो वो पलक झपकते से बहुत सारी गड़बड़ियां कर सकता है, बस टोटल में खेल लेगा, पैसे गायब। मैंने बताया भी था आपको कि रिसीट साइड का टोटल 15 लाख 80 हजार आ रहा था, कैरी फॉरवर्ड किया अगले पेज पे 15 लाख 30 हजार, रिसीट साइड में से कितने गायब कर दिए, 50 हजार, मतलब बुक का बैलेंस कितने से कम हो जाएगा, 50 हजार, एक्चुअल कैश का बैलेंस भी उड़ा दो। आपने पहले खेला इसमें, बुक के बैलेंस को कम किया और उतना
कैश आपके ड्रॉअर से भी निकाल दिया, बस सिर्फ 8 का 3 किया, करेक्ट। अकाउंटिंग वाला बंदा ट्रस्टवर्दी नहीं है तो बहुत गड़बड़ हो सकती, बहुत सेंसिटिव काम है, वहीं पे ऑडिटर है, ऑडिटर भी ऑडिट करना ही बहुत सेंसिटिव काम है, थोड़े से इससे बहुत ज्यादा गड़बड़ियां हो सकती है, ऑडिटर अपनी आंखें बंद कर लेगा, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं सुना, फीस बढ़ जानी चाहिए मेरी बस। तो क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव काम है, ट्रस्टवर्दी वाले काम है, जिम्मेदारी डायरेक्टली सर पे होनी चाहिए इंडिविजुअल्स के, इसीलिए इन्होंने बोला बॉडी कॉर्पोरेट्स बैंड। बॉडी कॉर्पोरेट्स के केस में जिम्मेदारी इंडिविजुअल्स के ऊपर नहीं होती है, आर्टिफिशियल एंटिटी पे होती है। यस नो? अगर आप किसी आर्टिफिशियल एंटिटी को बॉडी कॉर्पोरेट को एज ऑडिटर अपॉइंट कर दोगे तो जिम्मेदारी इंडिविजुअल के सर पे नहीं है ना साहब, जिम्मेदारी किसके सर पे है? वो आर्टिफिशियल एंटिटी। लोग बोलेंगे गलत, जितने गलत काम करना है करो, सब किसके नाम पे हो रहा है? आर्टिफिशियल एंटिटी। मेरा क्या जा रहा है? बोले मैं एक दिन छोड़ के चला जाऊंगा, बोले इस एंटिटी को, और एक नहीं खोलेंगे अपन, फिर नाम खराब करेंगे, फिर और एक नया खोलेंगे। तो बोले ऐसा चाहिए ही नहीं हमको। कंपनीज एक्ट ने बोला कि वी डोंट वांट आर्टिफिशियल एंटिटीज बॉडी कॉर्पोरेट्स एज ऑडिटर्स, तो बॉडी कॉर्पोरेट्स आर डिसक्वालिफाइड। इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? यस नो? ओके। तो आपका कंपनीज एक्ट बोलता है बॉडी कॉर्पोरेट क्या नहीं कर सकते, ऑडिट नहीं कर सकते। सीए एक्ट बोलता है, सीए एक्ट का सेक्शन 25 कि कंपनी बनाकर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अकाउंटिंग भी नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? अकाउंटिंग नहीं कर सकते। यस नो? अच्छा, सीए एक्ट ने बोला कंपनी फॉर्मेट में अकाउंटिंग मत करो, मतलब वापस बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म में तुम अकाउंटिंग मत करो, और कंपनीज एक्ट ने बोला बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म में तुम ऑडिट मत करो, क्योंकि दोनों सेंसिटिव काम है, इंडिविजुअल्स ने और पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म ने करने चाहिए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस नो? तो बोले ये गलत है, बोले साहब अकाउंटिंग पे बैन लगा दिया, बॉडी कॉर्पोरेट्स के थ्रू अकाउंटिंग पे बैन लगा दिया सीए एक्ट ने, और ऑडिट पे बैन लगाया कंपनीज एक्ट ने, ठीक है। फिर कहानी में दो ट्विस्ट, बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन अगर आप पढ़ोगे, बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन अगर आप पढ़ोगे कंपनीज एक्ट में, तो उसमें लिखा है इट एक्सक्लूड्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर आप बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन देखोगे तो इट एक्सक्लूड्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी को बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाता, ठीक है, इट इज नॉट कंसिडर्ड बॉडी कॉर्पोरेट, गुड फॉर देम। तो किसी ऑथर ने दिमाग लगाया, बॉडी कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट, दैट मीन्स दे आर नॉट डिस्क्वालिफाइड। यस नो? कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन नहीं है? बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है मतलब वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है, वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है मतलब वो ऑडिट कर सकते, तो ये गलत है, बिकॉज दे आर नॉट कवर्ड इन क्वालिफिकेशन। बिफोर यू मूव टू डिस्क्वालिफिकेशन फर्स्ट यू शुड बी क्वालिफाइड, पहले तुम क्वालिफाइड होने चाहिए, फिर उसके बाद डिस्क्वालिफाइड नहीं होने चाहिए, तब फिर तुम ऑडिट कर सकते हो, तुम क्वालिफाइड ही नहीं हो। तो वो इंटरप्रिटेशन की कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो इंटरप्रिटेशन की तुम कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट कर सकते हैं, ऐसा गलत है। अच्छा, दूसरी बात, इन्होंने एक एग्जेम्पशन दिया, एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट एज पर एलएलपी एक्ट। एलएलपी एक्ट के हिसाब से एलएलपी क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट है। तो उन्होंने बोला हम उसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अगर वो एलएलपी को बॉडी कॉर्पोरेट मानते तो मतलब एलएलपी बनाकर हम ऑडिट नहीं कर पाते। यस नो? अगर हम एलएलपी बनाकर ऑडिट नहीं कर पाते, अगर एलएलपी बनाकर ऑडिट नहीं कर पाते तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एलएलपी नहीं बना पाते, और एलएलपी इज ए न्यू फॉर्मेट ऑफ डूइंग बिजनेस एंड प्रोफेशन,
हमने क्यों पीछे रहना चाहिए? लोग पहले पार्टनरशिप बनाने से इतने डरते थे, करेक्ट? पार्टनरशिप से बहुत ज्यादा डरते थे। क्यों पार्टनरशिप से लोग डरते थे? वाय? क्योंकि गलत काम कुछ वो करेगा और भुगतना हमको पड़ेगा, करेक्ट? ये बहुत दिक्कत होती थी, तो लोग आसानी से पार्टनरशिप नहीं बनाते थे। यार अब मैं इसको समझू पहले, इसका व्यवहार कैसा है, मेरे से बगैर पूछे लोन ले लिया इसने फर्म के नाम पे, तो इसलिए अब ये तो बोला एक काम करो, लिमिटेड लाइबिलिटी रखो, बिंदास बना पार्टनरशिप, जितने पैसे लगाए उतने डूबेंगे और नहीं देना पड़ेगा। तो LLP इज द न्यू फॉर्मेट, LLP इज द न्यू फॉर्मेट, करेक्ट? तो LLP नया फॉर्मेट है, तो उन्होंने उसको एग्जेम्प्ट कर दिया। बात समझी साहब? ओके, एक करके फिर से बता रहा हूं मैं। बॉडी कॉर्पोरेट्स मतलब आर्टिफिशियल लीगल एंटिटीज, ठीक है? बॉडी कॉर्पोरेट्स में इंडिविजुअल्स के सर पे जिम्मेदारी होती नहीं है। अगर वो जिम्मेदारी नहीं उठाने वाले तो इन्होंने ऑडिट करना नहीं चाहिए, इसलिए उनको क्या करता है, डिस्क्वालिफाई, वो ऑडिट नहीं कर सकते। और सीए एक्ट ने बोला तुम क्या नहीं कर सकते, अकाउंटिंग भी नहीं कर सकते, करेक्ट? लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट होने के बावजूद आपको हम अलाउ करेंगे ऑडिट करने के लिए ओनली इफ यू आर LLP, क्योंकि ये उभरता हुआ फॉर्मेट है और सीए लोगों ने भी इसको यूज करना चाहिए। तो बोले बिंदास बनाओ, हम इसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, बिंदास बनाओ। बोले आप LLP बनाकर भी ऑडिट कर सकते हो, यस नो? और कोऑपरेटिव सोसाइटी को भले ही आपने डेफिनेशन में नहीं लिया हो बराबर, लेकिन वो ऑडिट कर नहीं सकते क्योंकि वो क्वालिफाइड नहीं है। अच्छा, आप आर्टिफिशियल एंटिटीज बनाकर, बॉडी कॉर्पोरेट बनाकर कंसल्टेंसी का काम कर सकते हो क्या? यस, वो करो, ऑडिट मत करो। हवा लगी आपको? सबको सारी बात यहां पे दी है, दोनों सेंसिटिव काम है। सी एक्ट ने बोला कंपनी बनाकर अकाउंटिंग मत करो, इन्होंने बोला कंपनी बनाकर ऑडिट मत करो। LLP एक्ट उभरता हुआ प्लेटफॉर्म है, अलाउ करना चाहिए, माना बॉडी कॉर्पोरेट है फिर भी अलाउ करना चाहिए, तो उसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानते, ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर, ओनली फॉर दिस डिस्क्वालिफिकेशन। कंसल्टेंसी काम करो बिंदास, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। आगे लिख दो वहां पे डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, बट दे विल नॉट बी एबल टू डू ऑडिट। As they are not qualified. ठीक है, okay, the last disqualification. अगर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने फ्रॉड किया तो ही विल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, तब मैं आप लोगों से केस पूछता हूं, क्योंकि एग्जाम में जो आने वाला है वो केस ही आने वाला है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टॉक एक्सचेंज से, स्टॉक एक्सचेंज के बहुत सारे रिलेटेड काम करता रहता है। उस पर ये एलिगेशंस है कि उसने स्टॉक एक्सचेंज में 50 करोड़ का फ्रॉड किया है, विल ही गेट डिस्क्वालिफाइड? यस नो? यस नो? आंसर इज नो, एलिगेशन वर्ड था मेरा, कन्विक्ट होना चाहिए। सिर्फ इल्जाम लगाने से कोई डिस्क्वालीफाई
नहीं होता, तो पहला केस इस पे बन सकता है। सो बी केयरफुल, एलिगेशन एलिगेशन तुम लोग खेले तो फंस जाओगे। ठीक है, फिर वापस ये है, इस बार उसने फ्रॉड किया है स्टॉक एक्सचेंज में, ऐसा सीए इंस्टीट्यूट ने ऑर्डर पास किया है कि यस उसने फ्रॉड किया है। विल यू गेट डिस्क्वालिफाइड? नो, बाय कोर्ट। किसी के बोल, जब तक कोर्ट आपका नहीं बोलता, कोर्ट्स नहीं बोलते, किसी के मानने नहीं मानने से, कंपनी के डिसीजन लेने से, सीए इंस्टीट्यूट के मानने नहीं मानने से कुछ नहीं होता। कोर्ट क्या मानता है वो डिपेंड करता है। करेक्ट। तो इस बार अच्छा कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया है कि आप सैटरडे नाइट आप बराबर गाड़ी नहीं चला रहे थे और आपने लोगों को इंज्योर किया है। करेक्ट। विल यू गेट डिस्क्वालिफाइड? इन्वॉल्विंग फ्रॉड होना चाहिए। अब गलत मत समझो, वो हनुमान चालीसा सुन रहे थे इस वजह से गाड़ी बहुत जोरों से हनुमान चालीसा मग्न हो गए, गलती से दो तीन लोगों को फिर उन्होंने इंजोर कर दिया। करेक्ट। नाउ फाइनली ही इज कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर फ्रॉड। करेक्ट। 2 साल की सजा हुई उनको 1 जनवरी 2018 से, ठीक है, 2018-2019 खत्म हुआ। 10 साल की सजा शुरुआत कहां से होगी? 10 साल का जो डिस्क्वालिफिकेशन है, सजा के खत्म होने से 10 साल, कि जिस दिन ये प्रूव हुआ उस दिन से 10 साल। तो लॉ में केयरफुल रहिए। अभी आपको डायरेक्टर्स नहीं है कोर्स में, डायरेक्टर्स में थोड़ा अलग होता है। यहां पे बराबर इट इज फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन। तो वह इतना सेंटेंस था, उसमें 4 केस बन सकते हैं। अगर मजे लेने ना इंस्टीट्यूट को, करेक्ट, तो बहुत मजे ले सकते हैं। समझा आपको? नहीं, जैसे 18 और 18 खत्म हुआ, 19 खत्म हुआ, 10 साल का जो डिस्क्वालिफिकेशन है, 1 जनवरी 2018 से काउंट करेंगे 10 साल कि उसकी सजा खत्म हो गई 18 और 19, तो 19 खत्म हो, 1 जनवरी 2020 से करेंगे क्या? काउंटिंग कहां से शुरुआत करेंगे? हाँ वही आपने बोला, समझा नहीं? अच्छा अब समझा। ओके, ओके। ये बात समझे आपको साहब? इज पॉइंट क्लियर? सो वी आर थ्रू विथ ऑल द डिस्क्वालिफिकेशंस। डिस्क्वालिफिकेशंस हमारे खत्म हो चुके हैं। करेक्ट। नाउ वी स्टार्ट द अदर पार्ट, क्योंकि एक ही चीज पढ़ेंगे तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।